कृष्ण स्वागत करते हैं एंड शुरू करते हैं एक रीडिंग दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके तो चलो रीगन इज द फोर डेक एंड आई थिंक आपको ये विजिबल है अच्छी तरह से। नंबर वन लव मैसेजेस, ओके इंस्पायरिंग मैसेजेस और अनदर मैसेजेस, ठीक है तो ये दो हो गए। थर्ड जो है वो है ये अगेन एंजेलिक साइंस ऑफ मैसेजेस एंड द फोर्थ वन animal messages, ठीक है तो समवेयर वी गोना यूज दिस फॉर एंड लेट्स फाइंड आउट एंड फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग एट। ठीक है कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं तो चलो देखते हैं क्या है वो बातें। सो लेट्स फिगर इट आउट। करते कार शफल एंड वी हैव दिस वन, ये आ रहा है कार एंड इट स्टेट्स ओके ड्रीम यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। ओके चलो अच्छी बात है आप उनका वो सपना हो जो सच हो रहा है, सच हो चुका है, ठीक है एंड दैट्स प्रीटी कूल, दैट्स प्रीटी वंडरफुल। ठीक है देखो कोई भी चाहे कि भाई जो अपना सपना हो खूबसूरत से सपना वो पूरा हो जाए, हकीकत में वो सपना आ जाए एंड यू विल फील लाइक वाओ व्हाट अ ड्रीम यू नो। लेकिन अगर वो रियल में हो रहा है तो यस इफ़ यू लव समबडी एंड वो भी आपसे प्यार करते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, है? वो एक बात है। वही सेकंड हम बात करते हैं तो ये है मैजिक। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर, ठीक है जब आप दोनों साथ में होते हैं तो मैजिक होता ही है। ठीक है देखते हैं थर्ड कार्ड जो कि है विदाउट, आई कैंट लीव विदाउट यू, तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। ओके तो चलो बहुत ही अच्छी बात है, स्वीट सी बात है यू नो। एंड फोर्थ मैसेज यहाँ पे आ रहा है जो कि है स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माय फेवरेट। यस ये बहुत ही स्पेशल बात है यू नो, ये एक बहुत ही रोमांटिक गेस्चर है एंड अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो हाँ आपकी स्माइल के लिए बहुत अच्छी है यू नो, जिससे हम प्यार करते हैं अगर वो खुश रहें तो क्या बात, यू फील लाइक यस आई गेट एवरीथिंग विच आई वॉन्टेड। ठीक है तो ये था लव मैसेजेस का रीडिंग, दो मिनट हो चुके हैं एंड लेट्स लुक एट सम अदर मैसेजेस। ठीक है कार्ड्स करते हैं शफल, हो गई है शफलिंग एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वी माइट टेक अ बिट टाइम फॉर दीज कार्ड्स टू रेसिप्रोकेट बट ओके। ठीक है पहला कार्ड है हैप्पी रिलेशनशिप, ओके ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखो हैप्पी रिलेशनशिप के लिए क्या होता है ना कि इंसान खुश होता है अंदर से कि उसे वो सब मिल रहा है जिसकी वजह से वो खुश हो सकता है एंड दैट इज़ हैपनिंग विथ यू एग्जैक्टली। ठीक है आप इनके लिए परफेक्ट हैं, पूरक हैं यू नो, अगर आप इनके साथ होते हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाली का माहौल महसूस करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। अब खुशहाली मतलब क्या होता है कि भाई चलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे साथ है या फिर मैं उनसे बात कर सकता हूँ एंड उनसे कम्युनिकेशन होती है एंड वी फील लाइक वी आर इन द हेवन, है ना। ज़रूरी नहीं आप रियल हेवन में हो, ये हेवन यहाँ पे ही होता है, बस आपको वो पास मिलना चाहिए, है ना। वो पास कब मिलता है, जब आपके दिल को छू जाने वाली कोई बात हो जाती है ना एंड इसी को कहते हैं प्यार। तो हाँ यू आर इन लव, ये तो यहाँ पे इजीली है, दिस पर्सन इन लव एंड वो आपके साथ बहुत खुश है एंड दिस पर्सन फील्स दैट व्हेन यू आर विथ हिम और हर वो सातवें आसमान पे होते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो कि है अट्रैक्शन, यस द पर्सन अट्रैक्टेड टू यू। देखो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने कही नहीं थी तो यहाँ पे ये बात उभर के सामने आ रही है, अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। अब देखो अट्रैक्ट होना मतलब इस व्यक्ति को आपकी हर अदाएँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें पसंद आ रही है, यू नो दिस पर्सन गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब अट्रैक्शन जो होता है वो इनिशियली ही शुरू होता है एंड बढ़ते जाता है, कभी भी कम नहीं होता, है ना। जैसे कि भगवान के प्रति भक्त का अट्रैक्शन बढ़ते ही जाता है, वो कभी भी कम नहीं होता, वैसे ही है दिस पर्सन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दैट इज़ वंडरफुल थिंग। तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए था कि भाई सामने से कहो दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी एंड लाइक वाइज, हम वो कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए तो ये व्यक्ति जो भी उनके दिल की बात है वो आपसे कहेंगे, ठीक है एंड दैट इज़ गोना हैपन अगर आप उन्हें स्पेस देते हैं तो, है ना, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। सो अट्रैक्शन इज हैपनिंग ओवर हियर। अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स एंड लेट्स फिगर इट आउट व्हाट इज हैपनिंग। ओके डर है किसी बात का, फियर है कोई मन में, है ना। देखो दरअसल ये बात तब आती है जब आप कोई चीज़ करने के सोचते हैं जिसके परिणाम आपको पता नहीं होते या फिर आप डरते हैं अगर उल्टा हो गया या फिर मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ना।
तो डर है कोई उनके दिल में, एंड शायद ये आपको खोने का डर हो सकता है जो बहुत ही आम डर है। लेकिन साथ में ये भी बात हो सकती है कि भाई अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, उससे पहले जो कार्ड आ गया था अट्रैक्शन, तो हाँ शायद आपको प्रपोज करना है वो शायद डर है, या फिर दिस पर्सन लाइक समबडी एल्स, ये भी बात हो सकती है कि भाई डर है, कैसे ऐसे हो सकता है, यू नो। लेकिन हमारे दिल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये भी एक बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन डर को आप अपनी ज़िंदगी में हावी होने देते हैं या फिर डर का मुकाबला करते हैं, वो भी अलग बात है। सो फिर टॉकिंग अबाउट दैट कि भाई ये व्यक्ति डर के जी रहा है, तो उसे डर के माहौल से मुक्त करो, एंड दिस पर्सन शुड लिव फ्रीली, है ना। आपसे प्यार है, कन्फेस करें, यू विल हैव अ वंडरफुल मैरिड लाइफ टुगेदर, है ना। डर के जाने की कोई बात नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो कोई बात नहीं होगी, है ना। यू विल फील कि भाई आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट, यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन एंड आई एम लिविंग माई लाइफ, है ना। जो आप दोनों को पसंद है वो आप कीजिए, कौन आपको रोक रहा है, ठीक है। एक दो कार्ड्स और देखते हैं, एंड यहाँ पे हैं अचीविंग गोल्स। तो हाँ, फिलहाल ये व्यक्ति की सोच जो चल रही है कि भाई जो उसने सोचा है, जो उसने ठान लिया है, वो उसे पाकर रहना है, है ना, जो कि अच्छी बात है। तो अगर ये बिजनेस माइंडेड है या फिर इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, यू कैन डू दैट, शी कैन डू दैट। भाई अपनी एक लेवल बनानी है, जॉब में है तो प्रोग्रेस करना है, वन बाय वन स्टेप अहेड जाना है, सैलरी इंक्रीज करनी है, तो क्यों नहीं, ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है टॉलरेंस। तो यस, टॉलरेंस यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई शांत स्वभाव थोड़ा उनका कम पड़ रहा है, और वही बात है कि ये अपने आप को शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखो जो लोग लिटरली शांत होते हैं उन्हें गुस्सा नहीं आता, कितना भी ऐसा काम करो जिससे गुस्सा आया, जैसे कि आपके हाथ से कुछ गिर जाए या फिर कुछ खो जाए, यू नो। बाकी के जो लोग होते हैं डायरेक्टली गुस्सा होता है, अब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन दिस पर्सन इज विद दिस काइंड ऑफ यू नो टॉलरेंस। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद इस व्यक्ति की जो सहनशीलता है वो अभी तक यू नो कंट्रोल में नहीं है, तो ये गुस्सा बार बार करता है। एंड एक और कार्ड देखते हैं जो है इस डेक से, एंड दैट इज़ दिस वन, ब्रेवरी। तो हाँ, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करना होगा जिस वजह से ब्रेवरी वहाँ पे आएगी, ठीक है। अभी बात हो सकती है कि मे बी प्रपोज करना आपको, या फिर भाई उनके जो भी प्लान्स हैं वो आपसे कह देना, है ना। मे बी ये शायद कहीं पढ़ने जाने चाहते हैं, या फिर दिस पर्सन वांट टू ट्रांसफर हिमसेल्फ हरसेल्फ समवेयर एल्स, बिकॉज यू नो उनको शायद इंक्रीमेंट चाहिए, फिर कुछ और बात चाहिए। अब अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद आपके रिलेशनशिप के ऊपर यू नो थोड़े से बदलाव आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, अगर ये आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं बिकॉज ही वॉन्ट टू प्रूव हिमसेल्फ, है ना। तो ये बातें होती है, ब्रेवरी भी वहाँ पे होती है जिसके बारे में सोचना पड़ता है। जैसे कि न्यू अ गर्ल, ठीक है, वो अभी IPS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई की, ठीक है। पहले वो मेडिकल फील्ड में थी, ठीक है, बायोलॉजी उन्होंने कंप्लीट किया, बहुत बड़ी कंपनी थी जिन्होंने सिर्फ 10 लोग चुने फ्रॉम द कंट्री, उसमें से ये एक थी। लेकिन फिर उसने चेंज किया अपना माइंड, आ गई लॉ में, लॉ भी कंप्लीट होना था, तभी उनको पता चला कि भाई एग्ज़ाम चल रही UPSC के, तो एग्ज़ाम दे दिए, एंड शी बिकेम IAS ऑफिसर। तो यू नो देखो कैसे होते हैं, आपको एक चीज़ करनी होती है, यू नो चुनना पड़ता है आपको। तो ये उन्होंने अपने लिए चुना कि उनके लिए क्या सही है, एंड शी इज़ राइट ऑन द परफेक्ट पाथ देन, है ना, ठीक है। दिस इज द कार्ड ओवर हियर, एंड दिस कार्ड सेज कंसेंसस। यस, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को समझना, जानना, खुद के बारे में एहसास होना, एंड समवेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, या आपको कहीं ना कहीं पे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यू नो जो हम कहते हैं कि दिल की बात है, कि ज़रूरी नहीं कि आप होठों से उसे कह दें, दिल की बात है, दिल से ही समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट आप दोनों साथ में हैं, बारिश हो रही है, कहीं पे खड़े हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग विदाउट टचिंग ईच अदर्स हैंड्स या फिर विदाउट किसिंग समझ रहे हैं कि भाई आप दोनों क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। यू नो ज़रूरी नहीं कि आप कुछ कर ही दे, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दिल की बात है तो दिल ही समझेगा, है ना। अगर कोई भी इंसान को कोई बात कहना चाहता है तो हाँ आप सुन के उस बात के ऊपर रिएक्ट कर सकते हो, कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिल की, तो दिल की बात समझनी पड़ती है दिल से। तो हम कहते हैं कि भाई दिल के ऊपर फ़र्क पड़ गया, जैसे कि आपके शरीर को बीमारी है तो आप इंजेक्शन लेते हो, आपके शरीर के ऊपर वर्क करता है, दिल के ऊपर वर्क नहीं करेगा, आपके माइंड के ऊपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, उसमें से पहला जो कार्ड है वो है ये, एंड दैट इज़ दिस वन, जो कि है पैशनेट। तो हाँ, ये पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इनकी जो पैशन है उसकी लेवल अलग अलग हो सकती है, अगर आपने इनके साथ कुछ रोमांटिक पल बिताए हैं आपको पता होगा कि भाई इनकी पैशन किस लेवल के होती है। लाइक वाइज यू जस्ट वॉन्ट टू गेट अवे, आपको कहीं पे जाना है, एंड दिस पर्सन इज़ लीविंग यू, आई वॉन्ट यू मोर, यू नो लाइक वाइज, सो दे जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू।
अगर ऐसी बात हो रही है बहुत अच्छी बात है, यू कुड हैव सम पैशनेट मोमेंट्स टुगेदर एंड आप बहुत ही खुश हो सकते हैं। अगर आप दोनों खुश हैं तो और क्या चाहिए नो, खुशी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सब लोग खुश हो सकते हैं यू नो। तो किसी को बस किसी को देखने में खुशी मिलती है या फिर किसी को किसी का साथ पाने में खुशी मिलती है ना, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वही अगर हम एक और कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आता है रिकनेक्शन। तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे बातें उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी जैसे कि होनी चाहिए, तो हाँ ये बातें वापस से शुरू हो जाएंगी, रिकनेक्शन हो सकता है या फिर मैं यूँ कहूँ होने लगा है, ठीक है। और देखो रिकनेक्शन जब होता है तो ये बहुत ही बड़ी फीलिंग होती है क्योंकि ये इट्स काइंड ऑफ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहले ही इस व्यक्ति से मिल चुके हो लेकिन बाद में जब डिसाइड करते हो कि फाइनली आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन वंस अगेन वंस मोर, यानी कि दोबारा से आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, है ना, तो वो एक बात होती है। यहाँ पे बहुत ही ब्रेवरी लगती है, ब्रेवरी कार्ड भी आ गया था। तो हाँ, ये रिकनेक्शन करना चाहते हैं आपसे कि भाई चलो आपसे बात करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या है आपके दिल में, क्या ये आपसे अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। वही अगर फोर्थ कार्ड देखते तो वो है गोइंग अगेंस्ट, यस दिस पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट वॉट, यू नो ये भी बात है। कई बार हमें कोई चीज़ पाने के लिए किसी चीज़ के खिलाफ जाना पड़ सकता है, यू नो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कूल, एक्चुअली कूल है क्योंकि यही एक पैशनेट शुरुआत होती है। जैसे कि किसी को गाना पसंद है, फैमिली को गाना पसंद नहीं है, तो फैमिली छोड़ते हैं, गाना परस्यू करते हैं एंड जिंदगी में नाम कमा लेते हैं। देखो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर प्यार है यहाँ पे तो आपको शायद किसी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस व्यक्ति का कोई पास्ट है, कोई एक्स है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उस व्यक्ति का इसको सामना करना पड़ सकता है बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू, है ना। या फिर इसका करियर एक साइड पे है, एक साइड में प्यार है, तो दोनों में से किसको चुनना है फिलहाल के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एंड दैट इज़ वेरी कूल, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो कि है ऑब्स्टैकल्स, ओके, तो ऑब्स्टैकल्स है यहाँ पे, तो थोड़े बहुत ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं एंड इस व्यक्ति को इसके ऊपर प्रहार करना होगा, ऑब्स्टैकल को रिमूव करना होगा ताकि आप दोनों खुश रह सके। एंड जो सिक्स कार्ड आ रहा है वो है ये माल डिप्रेशन, तो शायद अगर ये ऑब्स्टैकल का सामना करना चाह रहे हैं तो शायद डिप्रेशन में जा चुके हैं या जा रहे हैं। देखो हर व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना करे, और ये एक कॉमन सी बात है। हम क्या सोचते हैं कि भाई दिस पर्सन लव्स मी दैट मीन्स ही इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, है ना। दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, लेकिन अगर आप इसको बर्फ प्रदेश में लेके गए, मे बी अंटार्कटिका, और इस व्यक्ति को ठंड लग रही इतनी कि भाई ये कह रहे हैं मुझे वापस ले जाओ, बिकॉज द पर्सन कांट सर्वाइव ओवर देयर, ये रियल बात है। तो ऐसा है कि इसमें माइल्ड डिप्रेशन है एंड दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इसको क्या करना चाहिए। तो हाँ, माइल्ड डिप्रेशन एंड दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू डू समथिंग और टू यू नो कनेक्ट विथ यू प्रॉपरली, तो एक बात हो सकती है। सो दिस पर्सन कुड बी इन माइल्ड डिप्रेशन एंड दैट कुड बी द रीज़न विच इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ, एंड आपको ये बात थोड़ी सी समझनी होगी एंड थोड़ी सी जाननी होगी, ठीक है। सो माइल्ड डिप्रेशन इज हैपनिंग इन दिस पर्सन लाइफ, लेट मी फाइंड आउट कि भाई कितने कार्ड्स हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, ठीक है। तो इस डेक की रीडिंग पूरी हो चुकी है, लगभग 13 मिनट हो चुके हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एंड द फिनाले डेक ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है। चलो शफलिंग हो चुकी है एंड वी गॉट द कार्ड्स, तो क्या बनना है आपको वो देखते हैं, या फिर आप किसको पा रहे हैं। एलिफेंट, emotional, impressive memory, creative communicators, okay, power, wisdom, experience, loyalty, unity and companionship, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, फिर इनको आप में इसे मिल रहे हैं। देखो impressive memory है तो इस व्यक्ति को सब कुछ पता है, फिर आपको बहुत कुछ पता है कि भाई कब क्या हुआ था, what was the first day and कौन सा समय था कि पहली बार आपने इनको देखा एंड यू फॉल इन लव डायरेक्टली, ठीक है। क्रिएटिव कम्युनिकेटर्स, तो हाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं एंड कैसे बात उनको शुरुआत करना है, वन लाइन कैसे यूज़ करना है, इनसे बढ़िया और कोई नहीं जान सकता। ओके, एक्सपीरियंस पर्सन है, लॉयल्टी है, यूनिटी है, कंपेनियनशिप है, ठीक है। मे बी दिस पर्सन हैड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज ऑफ हर लाइफ, ठीक है, शायद पहले उनकी रिलेशनशिप हुई थी, बट दैट्स वाई द पर्सन इज़ नाउ यू नो एक्सपीरियंस अ बिट, तो हाँ ये गलतियाँ बहुत कम करेंगे। लॉयल्टी है इनके दिल में, तो जब तक आपके साथ है बस आपके ही बारे में सोचेंगे। यूनिटी है एंड कंपेनियनशिप है, ठीक है, साथ समझते हैं तो आपका साथ तोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। कुछ और कार्ड देखते हैं, उसमें से एक और कार्ड है जो कि है डव, पीस, लव, विजडम, यस, ये इन बात को ऊपर आपको वर्कआउट करना है। देखो शांति, प्यार और शान पत्ती, ओके, विजडम जिसे कहते हैं, देखो शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीसफुलनेस। अब ऐसे मोमेंट्स भी जिंदगी में आते हैं जहाँ पे हम हमारी शांति को छोड़ देते हैं, यू नो यू जस्ट फील लाइक दैट वी आर बिकमिंग अग्रेसिव।
अग्रेसिव नेचर वहाँ पे इसलिए आता है बिकॉज सिचुएशन ऐसी होती है कि वी कैनॉट कंट्रोल आवर सेल्व्स. लेकिन एग्रेसिव बनना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, स्पेशल रिलेशनशिप में. ठीक है, तो यहाँ पे प्यार है और विजडम है, इन दोनों को समझ लीजिए. ठीक है, इससे काम चला लीजिए एंड आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा. वही अगर हम थर्ड कार्ड की बात करते हैं तो वह है पीकॉक. वाह, ब्यूटीफुल कार्ड. एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी है, इंट्यूशिव, इंपल्सिव, लव सोशल सिचुएशंस, लव टू बी विद द सेंटर ऑफ अटेंशन. ठीक है, ये जो भी व्यक्ति हैं ये सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करेंगे. ठीक है, अगर पार्टी है या फिर दोस्तों के बीच हैं, आप हमेशा देखोगे कि भाई यही व्यक्ति है जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, सब लोग इसकी तारीफें करते जा रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन लव इट. ठीक है, अब अगर आपको इस बात से चिढ़ है, गुस्सा है, तो देखो डायरेक्टली बोलता हूँ ये व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल देगा क्योंकि ये उसकी आदत है. यू नो, इफ यू लुक एट द पीकॉक, तो ये ऐसा ही है. ये आपके लिए नहीं कहते भाई मैं ये ऐसे कभी नहीं करूँगा. नो, इट वॉन्ट हैपन बिकॉज ये पीकॉक है ना. अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी पीकॉक जैसी है तो ये हमेशा सेंटर ऑफ द अटेंशन बनेगा, है ना. लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो लव सोशल सिचुएशन तो शायद आपको इतना पसंद नहीं है. मे बी यू फील लाइक दैट, यू फील जेलस और यू फील लाइक यू नो कि कुछ लोग सो होते हैं ना जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि वी आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन असल में होते नहीं है, बहुत अंदर से गुस्सा होता है. लाइक वाइज तो यहाँ पे आते हैं लव सोशल थिंग्स. तो ये व्यक्ति सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं. ये व्यक्ति जाएंगे हर जगह पर, शादी है किसी की, ठीक है, सगाई है, पार्टी है, तो जाएंगे हर जगह पे. ठीक है, आप जाए ना जाएँ ये जरूर जाएंगे. ठीक है, इम्पल्सिव है तो इम्पल्सिव नेचर है इनका. यू नो, तो इम्पल्सिव नेचर जब बनता है तो बातें ऐसी होती कि भाई यू नो इम्पल्सिस आते रहते हैं, विद इन अ सेकेंड वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना. यू नो इम्पल्सिस, तो इसका कंट्रोल करना आउट ऑफ द बॉक्स होता है. यू नो, अगर आप में वो नहीं है तो आप थोड़े से चिड़चिड़ कर सकते हैं. एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी है, कलर विविड बहुत पसंद है एक्सप्रेसिव की, हमेशा एक्सप्रेस करेंगे. कुछ लोग होते हैं ना जैसे ही बातें करते ही रहते हैं, हम उनसे कितना भी चाहे कि भाई आप रोको नहीं, नहीं रुकेंगे. यू नो, सो दिस इज़ वन ऑफ दैट पर्सन. एंड जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है पैरट. तो बिलीव इन लव फॉर एवर, म्यूजिक लवर, लव टू कम्युनिकेट. ये देखो यहाँ पे पीकॉक कहाँ पे और पैरट कहाँ पे है. ठीक है, समवेयर अगर आप इस कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो हाँ, ये व्यक्ति हमेशा प्यार के, यू नो, हमेशा जो प्यार रहता है उसमें बिलीव करता है. यू नो, हमेशा प्यार, ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल लव है. अगर कोई व्यक्ति इटरनल लाइफ जीता है, जैसे कि दुनिया छोड़ जाता है, तो भी ये व्यक्ति उससे कनेक्ट होगा इटरनली कि हमारे बीच प्यार है, प्यार था और प्यार रहेगा. डजंट मीन कि चलो तुम चले गए तो मैं किसी और के प्यार में पड़ता हूँ, वो भी सिर्फ फिजिकली, लेकिन इमोशनल तुम्हारा होगा नहीं. ये सिर्फ आपके ही बारे में सोचेंगे. ठीक है, गाने बहुत पसंद हैं इनको और बातें करना बहुत पसंद है. ठीक है, फिर चाहे दर्द भरी बातें हो या फिर कुछ हो, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति इन बातों के ऊपर ज़रूर गौर करेगा. ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग. आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू. थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ मेनी टैरो.